जस्ट किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा। तो चलिए कुकिंग शुरू करते हैं और आज मिलके बनाते हैं बहुत ही लाजवाब कढ़ी, वो भी कुछ ही मिनटों में। आज हम बनाएंगे बहुत ही लाजवाब कढ़ी पकौड़ा। तो कढ़ी तो आप अपने घर में अक्सर बनाते होंगे, लेकिन शायद इस रेसिपी से कढ़ी ना बनाए हों, तो एक बार जरूर ट्राई करें। कढ़ी बनाने के लिए बेसन यहाँ पर हम दो जगह लिए हैं, आप देख सकते हैं दो बॉल में बेसन हम लिए हैं, तो एक में ज्यादा है एक में कम है। एक बड़े वाले बोल में हम 200 ग्राम बेसन लिए हैं, दूसरे वाले बोल में हम आधा कप बेसन लिए हैं, जिससे कि हम कढ़ी का घोल तैयार करेंगे। इस पकौड़े वाले बेसन में 1/4 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, 1 मिनट यहाँ पर हम हींग ऐड करेंगे और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच तेल हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। अभी पकोड़े हम बहुत ही सिंपल बना रहे हैं, आप चाहें तो इसमें कुछ मसाले, मिर्ची, प्याज वगैरह इसमें मिला सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब हम इस बेसन को बहुत अच्छी तरह से फेंटेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करते जाएंगे और एक ही डायरेक्शन में हम बहुत अच्छी तरह से फेंटेंगे। बेसन को हम जितना अच्छी तरह से फेंटेंगे पकोड़े उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसन को हम बहुत अच्छी तरह से फेंट लिए हैं, बेसन का कलर लाइट हो गया है और ये एकदम हल्का हो गया है, तो इससे पकौड़े बहुत अच्छे बनेंगे। अब हम कढ़ी वाला घोल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इस बेसन में हम 2 कप जितना दही ऐड करेंगे। यहाँ पर 2 कप दही का इस्तेमाल हम किए हैं क्योंकि दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है। अब दही की मात्रा अपने हिसाब से इसमें बढ़ा या घटा सकते हैं। दही डालने के बाद में इसमें हम 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और मिक्सर की सहायता से इसे हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ गैस पर एक पैन हम रख दिए हैं, इस पैन में हम पकोड़े तलेंगे। अब यहाँ पर 1 बूंद बेसन इस तेल में हम गिरा के देखेंगे, तो तेल जितना गर्म चाहिए तेल गर्म है। अब इसमें हम पकोड़े डालते जाएंगे इस तरह से। कढ़ी के पकोड़े हमेशा मैं पैन में ही बनाती हूँ क्योंकि पैन में बहुत अच्छे पकोड़े बनते हैं। तो आप देख सकते हैं इन पकोड़ों में जालियाँ बन रही हैं। जब पकोड़ों को हम कढ़ी में डालते हैं तो इन जालियों में कढ़ी भर जाता है, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो पकोड़े आप जब भी बनाएं तो इस तरह से पैन में बनाएं, तो आपके कढ़ी के पकोड़े भी बहुत अच्छे बनेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पकोड़े बनके तैयार हैं। कढ़ी के पकोड़ों को हम बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करते, अगर ये हार्ड हो जाते हैं तो कढ़ी में जाने के बाद भूलते नहीं हैं। तो अब इसी स्टेज पर हम पकोड़ों को निकाल लेंगे। अब ये जालीदार पकौड़ियाँ बनके तैयार हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी जालियाँ पड़ी हैं। अब यहाँ गैस पर एक कढ़ाई रख देंगे और जो बेसन का घोल हम तैयार किए हैं उसे हम इस कढ़ाई में डाल देंगे और अच्छी तरह से पका लेंगे। जब इस घोल में अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा तो इसमें हम नमक ऐड करेंगे और साथ पकौड़े डाल के ढक देंगे। और अब हम यहाँ गैस पर एक पैन रख दिए हैं, तो इस पैन में हम तड़का तैयार करेंगे। इस पैन में हम 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे। अगर इस कढ़ी का तड़का आप सरसों के तेल में लगाएंगे तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपको सरसों का तेल ना पसंद हो तो आप किसी भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो इसमें हम 1/4 चम्मच मेथी का दाना ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर सरसों के दाने ऐड करेंगे, 6 से 7 सूखी लाल मिर्च हम डालेंगे, 3 प्याज को इस तरह से लंबे और पतले टुकड़ों में कट करके लिए हैं, तो अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज के साथ ही इसमें दरदरा कुटा हुआ लहसुन और अदरक ऐड करेंगे। प्याज अच्छी तरह से भुन गया है तो अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। कढ़ी में हम पहले ही नमक ऐड किए हैं, तो इस तड़के के हिसाब से इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जितना इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और मसालों को अच्छी तरह से प्याज में मिला लेंगे। अब इसमें हम 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे, इससे क्या होगा कि मसाले जलेंगे नहीं और इसको धीमी आंच पर हम भूनेंगे थोड़ी देर। तो अब ये तड़का तैयार है, अब इसको हम कढ़ी में डाल देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब ये कढ़ी बन के तैयार है। तो एक बार अगर इस तरीके से कढ़ी आप बना लेंगे तो आप हमेशा कढ़ी इसी तरीके से बनाएंगे, ये कढ़ी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो इस रेसिपी से एक बार कढ़ी जरूर बनाएं, उम्मीद है आपको और आपके घर में सबको बहुत पसंद आने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस तरह की एक नई रेसिपी के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो खूब सारा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इस तरह की एक नई रेसिपी के साथ।